समाजवादी पार्टी से आज इस्तीफा दिए हैं। बात करें तो पूर्वांचल और जौनपुर में ब्राह्मण चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हम बात करेंगे कि और समाजवादी पार्टी के सबसे करीबी नेता रहे हैं, अखिलेश के परिवार चाहे मुलायम की बात हो, कब से इनके संबंध है, पारिवारिक संबंध क्या कहते हैं जी? आप सच कह रहे हैं, पारिवारिक संबंध है, वह संबंध आज भी है, कल भी रहेंगे। राजनीतिक संबंध मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है, न कि अखिलेश जी के संबंधों से इस्तीफा दिया, तो संबंध रहेंगे हमारे उनके हैं। नहीं, जैसे बात करें इसके पूर्व में जब अभय सिंह और राकेश पांडे जैसे तमाम सवर्ण नेता उनका साथ छोड़े थे, तो एक बात इसलिए मेरी बात सुनिए, मेरा कहना है कि उसके बाद टिकट के बंटवारे में अखिलेश जी ने सवर्णों को, चाहे ब्राह्मण चाहे ठाकुर, उसकी टिकट के बंटवारे में कमी की। यूपी की बात करें तो क्या उससे नाराज हैं कि जो आपका टिकट नहीं मिला इससे नाराज है? नहीं, मेरे टिकट से मैं नाराज, मैं मुझे सुनिए, अगर नहीं टिकट मिल रहा था तो एक तरीके से नाराजगी का कोई विषय नहीं था। मिलना टिकट मिलना नहीं मिलना उसमें कुछ नहीं है। पहले उन्होंने टिकट बिना मांगे ही टिकट दिया मुझे, जितनी बार मैं किसी बार टिकट मांगा नहीं था, टिकट उन्होंने दिया था, लड़ाया था। इस बार मैंने कहा था कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूं, अगर आप लड़ा सकते तो ठीक है, नहीं तो कोई काम बता दीजिए। मैं लड़ना चाहता हूं, मतलब लोकसभा लड़ना ही मेरे लिए जरूरी नहीं, मैंने कहा था कोई काम, मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूं, अगर नहीं लड़ा पाओ आप तो मुझे कोई काम बता देना, मैं काम कर दूंगा। बात करें तो इतनी पारिवारिक नजदीकियां आपसे अखिलेश जी से हैं, मुलायम जी से शुरुआत में रहे, तो इतनी नजदीकियों के बाद एक टिकट मांगा गया और आप करीब 25-30 साल से राजनीति में समाजवादी पार्टी के, तो आपकी बात को नकारा किया और अखिलेश को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा देखिए, जैसे कि वो जिस टिकट का जहां तक मसला है, उनके भी हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स रहे हो, कोई दबाव रहा हो, कोई और बात रही हो, उतना डिटेल में तो मैंने पूछा हूँ। अगर उन्होंने नहीं दिया मुझे तो कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होगी, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं ऐसे प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी मजबूरी है कि मैं सपा छोड़ रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया, तो अभी सामने तो एक और प्रत्याशी है, वो भी दागी है। हम नहीं करेंगे, हम तो ये हो गए ना, हम दाग पे नहीं, हाँ उंगली डालेंगे कहीं पे भी, हम तो स्वतंत्र है ना, हम देखेंगे। अच्छा, अगर कहीं पे चार एक ही तरीके के लड़ते हो तो उसमें छांटा जाएगा, भाई वोट देना अधिकार है, तो जो सबसे कम जिसका हो अपराध उसको तो एक को तो जिताना ही पड़ेगा। अगर कहावत है पुरानी कि चार चोर दे दिए तो एक चोर तो चुनना पड़ेगा, मजबूरी आदमी की, तो उसमें हम देखेंगे जो बेहतर होगा, जो आपके जौनपुर के लिए बेहतर होगा, जिसको आप लोग ज्यादा चाहते होंगे, जिसको हमारे समर्थक चाहेंगे, हम भी उसकी मदद करेंगे। क्या बाबा दूसरे किंग मेकर की भूमिका में आना चाह रहे हैं? आपने अभी कहा कि हम नेता बनाएंगे, हम सांसद लड़ाएंगे, विधायक लड़ाएंगे, क्या आप मेरी जो सूचना है कि आप पार्टी बीच में किंग मेकर तो हमेशा ब्राह्मण रहा है, ब्राह्मण ही तो किंग मेकर है, हम लोग तो काम वही है हमारा। कभी कभी हम लोग इधर उधर कोई लड़ा देता है, लड़ लेते हैं, बाकी तो हमारा काम ही है लड़ाना और लोगों को जिताना और कुछ ना कुछ बनाना व्यवस्था।